मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षक सम्मान समारोह 2019-20 का आयोजन किया गया था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी, वहाँ के SSP, DPO सर और जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद थे। उनके द्वारा आज शिक्षकों को सम्मानित किया गया। लेकिन जहाँ कहीं भी जैसे इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है, किसी के सम्मानित करने की बात हो या फिर जन्मदिन की पार्टी हो और सारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें देखा है कि आपने जो जहाँ जाते हैं तो पौधे गिफ्ट करते हैं, इससे प्रेरणा क्या मिली? और सेव ट्री और पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम का बैनर लगाए हुए वहाँ पे सभी शिक्षकों को एक एक आंवला का पौधा भेंट कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज लोगों के बीच ले जाकर ये मैसेज देते हैं कि निश्चित रूप से वह पौधारोपण करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाए ताकि हमारे भारत प्रदूषित भारत माता को स्वच्छ बनाया जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वच्छ मस्तिष्क में ही स्वच्छ इस माने स्वच्छ मस्तिष्क में ही अगर रहेगा, अगर वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हम लोग सही से जी सकते हैं, सही से श्वास ले सकते हैं। देखते हैं कि आज ऑक्सीजन जो चढ़ाया जाता है बहुत कीमती होता है, लेकिन ये पेड़ द्वारा प्रदत्त ऑक्सीजन है वह लोगों को अब नहीं मिल पा रहा है। समय पर वर्षा नहीं हो पा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी ओकेजन हो, शुभ अवसर हो, उस पर पौधा रोपण कर उसको यादगार भी बनाएं। और पौधा एक ऐसा परोपकार है, पौधा जितना अच्छा परोपकार वो है उससे बड़ा कोई दूसरा परोपकार नहीं हो सकता। वो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन देती है, यह सिर्फ माने विष लेके अमृत प्रदान करते हैं, यह सिर्फ कला है। तो वह पौधा में है और पौधा से हम लोगों को सीखने की है। हम थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज के लिए तो हम लोग को करना चाहिए, ताकि अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन समाज के लिए कुछ जिए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने हम जो पढ़ाते हैं 10+2 का केमिस्ट्री, उसके साथ साथ ये पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के दिशा में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार द्वारा भी बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया, तो उनको उप मुख्यमंत्री द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया और हमको भी कई जगह हमको सम्मानित किया गया। जैसे राजस्थान के जयपुर में भी 16 नवंबर को सम्मानित किया जाएगा, या आज जो मुजफ्फरपुर में जो शिक्षक सम्मान समारोह था इसमें भी हमको सम्मानित किया गया। तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और इसी के बदौलत जो लोग हतोत्साहित नहीं होता हूं, यही बीच बीच में हम लोग के मित्र का सहयोग रहता है। जैसे हमारे कई मित्र हैं जो संतोष सर हैं, मुकेश सर हैं, संजीव जी हैं और भी बहुत सारे प्रमोद जी हैं जिनका सहयोग रहता है और हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं ताकि और भी माने हम आगे कुछ विशेष कर सकें, और हमेशा प्रेरित और दूसरे के लिए भी दूसरे को भी मैं प्रेरित करता हूँ ताकि लोग इस मुहिम में जुड़े और इसको जन आंदोलन का रूप दे सकें। और सर, सुनने में आ रहा है कि आगामी दिनों में बिहार के महामहिम राज्यपाल के द्वारा सम्मानित वृक्षारोपण के लिए सम्मानित करने की बात चल रही है और एक राजस्थान में कुछ पुरस्कार मिलने जा रहा है, उसके बारे में आप बताएं हम लोग। यहाँ के बिहार के राज्यपाल द्वारा हमको सम्मानित किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमको यह सम्मान मिलेगा। और राजस्थान जो पिंक सिटी के नाम से, राजस्थान के जो जयपुर है जो पिंक सिटी के नाम से मशहूर है, वहाँ भी हमको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, वो वृक्षारोपण के लिए होगा। तो हम ये तो सम्मान एक माने जो प्रोत्साहित करने का एक माध्यम है, लेकिन हम लोग ऐसे ही निस्वार्थ भाव से पर्यावरण में लगे हुए हैं और हमारे अलग अलग जिला से जो हमारे साथी सब है वो लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसे मुजफ्फरपुर से हो गए, बेगूसराय से हो गए, गोपालगंज जिला से हो गए, UP से हो गए, समस्तीपुर, पूर्णिया, दरभंगा, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और समय समय पर वो अपने पैसा का, जैसे हमारे एक मित्र है मुजफ्फरपुर के जो वो अपने जो सैलरी है उसका 10% वृक्षारोपण में डोनेट करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि वो खुशी से अपने जो सैलरी का है, वो शिक्षक है, ऐसे गवर्नमेंट शिक्षक है होने के साथ साथ भी वो खुद से माने जागरूक, इतना इसके प्रति लगाव है कि उन्होंने अपना
कंट्रीब्यूशन थोड़ा करने का प्रयास किया और समाज में कुछ नया करने का वो चाह रहे हैं और ताकि लोग इससे प्रोत्साहित हो सके जो इसको कर रहे हैं उसमें उस मुहिम में और भी लोग जुड़े और ये सेव ट्री के बैनर तले अगर हम लोग वृक्ष नहीं बचाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए वृक्ष बचाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वृक्ष नहीं बचाएंगे तो अपने आप को कैसे बचाएंगे कि आज जो प्रदूषण की समस्या है इतना ज़्यादा हो गई है। आज सुनते हुएगा कि दिल्ली में ऑड इवेन का मैंने आया, ऑड इवेन लागू करने का जो जरूरी पड़ा, क्यों जरूरी पड़ा ये सोचने का विषय है। वह दिल्ली में नहीं और बड़े बड़े शहरों में भी अब वही स्थिति होने जा रही है, इसीलिए हम लोगों को जागरूक होने की जरूरी है और निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ये सम्मान जो मिलता है उसे बड़ी खुशी होती है। ये पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे? हम समाज से यही अपील करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से अपना जीवन में जरूर फलदार पौधा जरूर लगाएं ताकि उससे हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो फल भी खा सके, उससे ऑक्सीजन भी ले सके। और चूंकि पेड़ तो इतना बड़ा परोपकार है कि मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि वो एक 20 समान जो मन कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण करती है और ऑक्सीजन जो जीवनदायक है वो हम लोगों को देती है। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज समाज को और आने वाले भविष्य को, हमारे जो बच्चे हैं जो देश के भविष्य कहलाते हैं उनको जरूर बताना चाहिए कि बाबू निश्चित रूप से वृक्षारोपण करो और कम से कम अपना जीवन में पौधा तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना फलदार पौधा हो लगाना चाहिए। ये मैं युवा पीढ़ी से आह्वान करूँगा और अपने साथियों सबसे भी आह्वान करूँगा, इसमें मैं खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा ताकि दूसरा लोग भी जुड़ सके।